So what's the biggest compliment you ever got? उसके पीछे एक कहानी है। आई लव टू लिसन टू स्टोरीज। काफ़ी हमें गिफ्ट्स आते हैं ना, तो एक बार एक गिफ्ट आया था, बड़ा सा बैग था उसमें, और वो बैग में एक साड़ी थी और एक लेटर भी था। तो वो लेटर मैंने पढ़ा, एक लड़की का था, कह रही थी कि फरीद तुम मुझे नहीं जानते हो, बट मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे बड़े से काम का एक छोटा सा गिफ्ट है, और ये बैग है और ये बैग में साड़ी है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये साड़ी, मतलब उसको ऐसा तो नहीं लगा फरीद का, फरीन फरीन लड़कियों का नाम होता है, फरीन कोई लड़की है। बट उसने फिर आगे लिखा कि ये साड़ी तुम्हारी मम्मी के लिए है, बिकॉज मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारी मम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने तुम्हें इस दुनिया में लाया। और फिर मैं घर पे जाके जब मम्मी को ये सब बताया, तो मम्मी जो खुश हुए ना, वो खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। वंडरफुल थिंग। मम्मी और पिता का भी तो हाथ है। या फॉर मी आई थिंक आई वुड लाइक टू मेंशन टू बेस्ट फीडबैक्स वी एवर गॉट। वन वाज पूना की एक लड़की है, फैन है, शी सेड अमृत व्हेनेवर आई टॉक टू फरीद आई फील आई एम टॉकिंग टू अमृत। ओह माय गॉड, इन द वे ही हैज स्टार्ट लर्न नो हाउ टू स्पीक एंड द क्वालिटी ऑफ हिज स्पीच इज एज गुड एज योर्स। आई थिंक दैट वॉज माई विक्ट्री, कि मेरे साथ रह रहे के ही हैज बिकम माई थिनर क्लोन। ओके, वो भी अभी हो जाएगा, माई वेट, आई एम ट्राइंग हार्ड। सेकेंड फीडबैक दैट मेड माई डे और मेड माई ईयर 2022 वॉज वेन इन अ सेशन, ऑनलाइन सेशन, वन गाय सेड दैट समटाइम्स यू एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ अ बुक बेटर देन द ऑथर हिमसेल्फ। आई थिंक एक रीडर को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना, आई थिंक इज अ बिग थिंग। राइट राइट राइट। नो ऑफेंस टू द ऑथर्स, ओके, ऑथर की वजह से तो आइडिया आया। आई थिंक आई एम गुड एट प्लेइंग विद वर्ड्स, नो आई लव वर्ड्स, आई लव टू प्ले अराउंड वर्ड्स। एंड आइंस्टाइन ने बोला है कि मेक थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल बट डोंट सिंप्लीफाई देम, देयर इज अ डिफरेंस। मेक थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल बट डोंट सिंप्लीफाई देम, दे शुड मेक यू थिंक। ओके, so rather than you know simplifying वो confusing भी हो सकता है। या making things simple is complicated, Steve Jobs ने बोला है। नहीं वो है, seriously काफी time सोचते हैं solution इधर ही है लेकिन मिलता नहीं है वो solution। I think we think simple, I think simplicity comes to us so easily, we are not complicated guys। अभी कल ही आपने poster के लिए photo मांगा, हमने ऐसी recently खींच दिया। या खाना खा रहा था, मुझे निवाला था, ठीक है चलेगा। वही आगे ना, ऑडियंस ऑफ वन, जब तुम लाखों लोगों की चिंता नहीं करते हो ना, फिक्र नहीं करते, तो ये सब होता है, कुछ नहीं होता है, कोई ऐसी नहीं। हाँ, हम जैसे है वैसे लोगों को पसंद आए। काफी बार यूट्यूब के थंबनेल बनाते हो, तुम बैठे रहते हो, हम आके कुछ फोटो वैसी फोटो बनाया, क्रॉप किया, बैकग्राउंड बंद किया, खत्म है। सही है, ये साइड डिश शुड बी साइड डिश, मेन डिश इज मेन डिश। किताबें पढ़ना इज आवर मेन डिश, बाकी सब आर साइड डिश। उल्टा नहीं होना चाहिए कि तुम साइड डिश पे ज्यादा टाइम दे रहे हो देन द मेन डिश। ओके, सो हाउ डू यू डील विद मैसेजेस कॉल्स फ्रॉम फैन स्पेशली फीमेल? ही इज माय बॉडीगार्ड, ही फिल्टर्स आउट एंड ही हैज बिकम सो ग्रेट एट इट। ही जस्ट ही अंडरस्टैंड्स कि नो विद व्हाट इंटेंशंस पीपल आर कमिंग, स्पेशली पीपल ऑफ अदर जेंडर, अपोजिट जेंडर। कभी कभी मुझे नहीं पता चलता है, बिकॉज ही इज वर्किंग एट अ ग्रास रूट लेवल, ही हैज बिकम सो ग्रेट एट डीलिंग विद पीपल, अंडरस्टैंडिंग देम दैट इंटेंशंस बाय रीडिंग बिटवीन द लाइंस और लिसनिंग बिटवीन द लाइंस। बट या आई हैव ब्लॉक्ड लॉट ऑफ नंबर्स ऑन माय व्हाट्सएप। ओह माय गॉड, 80% आर गर्ल्स, 20% आर गे बॉयज। ओह, आई वाज गोइंग टू आस्क दैट। नो ऑफेंस अगेंस्ट गेइज्म, आई हैव वेरी गुड गे फ्रेंड्स, बट या आई थिंक यू इफ यू हैव अ पर्पज ड्रिवन लाइफ ना, देन एवरीथिंग एल्स बिकम डिस्ट्रैक्शन। राइट, अगेन आई रिपीट, इट्स नॉट जस्ट अ पैशन ड्रिवन नाउ, इट हैज बिकम अ पर्पज विद अ रीजन, एंड सो वी इमीडिएटली कम टू नो वेदर ये काम है या डिस्ट्रैक्शन है। इसका डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। समटाइम्स वो अपॉर्चुनिटी लगता है पर वो डिस्ट्रैक्शन है, इफ इट इज नॉट सिंकिंग विथ योर पर्पज, विथ योर वाई। Right. So how do you say no to people? That's a very big thing. Suppose someone comes up ki ye video dekh, ye dekh, and anything comes up. How do you say no to people?
even if they are close. There is a book called 365 Ways to Say No. See, people don't get offended by hearing no. It's how you say no. Again, sorry. अगर मैं बोलूँगा आंटी के सॉरी सॉरी ये तो उल्टा गाली हो गई ना अब और भड़कोगे बट इफ आई एक्चुअली से दैट विनल आई शुडंट हैव सेड दैट थिंग व्हिच आई हैड अ थॉट आई एम रियली सॉरी आई शुडंट हैव आई विल नॉट डू दिस अगेन नाउ दिस इज अ मीनिंगफुल सॉरी सो मोस्ट ऑफ द टाइम हाउ वी स्पीक इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट वी स्पीक इन एनी रिलेशनशिप नॉट जस्ट हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स सिबलिंग्स पेरेंट्स टीचर्स एवरीवेयर I think people don't get offended by your message, but how the message is presented. True, but it happens like most of the time. We are engaged in other work and we have to say no. 10 times people are coming and you are not giving priority to your own things only. Exactly. Fine. Let's take an example. I was recording. I was doing an audio recording and my dad called me. Usually, what do we say? Dad, I'm busy. Talk to you later. This is a very vague answer. What I'm supposed to say is, Baba, मैं अभी सबसे important काम कर रहा हूँ. ये नहीं करूँगा तो Wednesday को लाखों लोग wait करते रहेंगे. ये देश को पढ़ाने का काम है. So right now you are not my priority. That doesn't mean you are not important to me, but you are not priority right now. Something else is priority. I'll talk to you later. अब ये बुरा लगेगा किसी को? डिटेल में जाके यू शुड टेल व्हाई यू आर सेइंग नो व्हाई नहीं बोलते हम कभी ट्रू 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 वी ऑलवेज थिंक कि यार समझ वाला नहीं समझेगा नहीं समझेगा ऐसा नहीं है